तय बुनीचा जिंदाबाद 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 तय बुनीचा जिंदाबाद 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 छुट्टी चाव जिंदाबाद 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 पूरा चाव जिंदाबाद 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 पूरा चाव जिंदाबाद 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 रख दे जा और मंगवा ले कब का आपको बहुत स्वागत है। तो इसके पहले तो आप वार्ड में वार्ड नंबर 24 हुआ करता था, अब 33 है, उसके लिए भी उठे हुए हैं, लेकिन इनकी माताजी पहले उन पे बात कर लेते हैं कि उप सभापति के उम्मीदवार हैं। क्या कुछ आप लोगों ने प्रारूप तैयार किया, कैसे शहर का विकास होगा, चूंकि आप भी शहर में काफी चीज देखते रहे हैं। देखिए, पहले सिवान टाउन का जो वार्ड था 38 था, ठीक है, और हम आज तक जमाने से देख रहे हैं कि जहाँ तक गांव क्षेत्र है अभी भी क्या रुका हुआ है, जैसे रोड नाला हो गया, मकान हो गया, आवास हो गया, लेटरिन बाथरूम जो हो गया टोटली बंद है, ये कुछ होता होता नहीं। तो हम लोग और साथी जो मेरा है लोग, हम लोग इन लोग कहने से ही हम अपने मम्मी को वाइस चेयरमैन के लिए आगे किए। तो सबसे पहले यहाँ रोकेंगे नेताजी को, भैया सबसे पहले अपना क्रमांक संख्या बता दीजिए, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है वो बता दीजिए। देखिए, क्रमांक संख्या में 2 है, इसलिए सभापति वाला बताइए। सभापति 10 नंबर है, स्कूटर छाप है जी, और वार्ड वाला, वार्ड वाला है 2 नंबर पे ढोलक छाप। वार्ड में आप हैं जी? हाँ, वार्ड में हम हैं और स्कूटर छाप वाइस चेयरमैन मेरी मम्मी है। क्या कहना चाहिए, कैसे शहर का विकास होगा, जो कि आप देख रहे हैं समस्याओं का निदान नहीं हो रहा, नेता बदल जा रहा है लेकिन साला समस्या वहीं का वहीं रह रहा है, आखिर कैसे निदान होगा उसका? देखिए, हम तो समस्या को निदान करने के लिए सोचे हुए हैं, लड़ने के लिए, और जीतेंगे तो इंशाल्लाह वो करेंगे जो कोई नेता नहीं किया होगा, ठीक है। हम ये नहीं कहा, बहुत पार्षद हैं, चाहे बहुत वाइस चेयरमैन चेयरमैन है, बहुत लोग बोला होगा कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है जो अपना सही से आँख नहीं खुल पाता नशे में, वो काम का कराएगा। जो जनता चाहती है कि विकास करने के लिए, विकास जो है नाला रोड नहीं होता है, आवास होता है, बाथरूम होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप शहरी क्षेत्र में आप थोड़ी घर तोड़वा के लेटरिन 6,000-10,000 बनवा दीजिएगा, जो 50 लाख जो घर बना रखा हुआ है, आज जो पूंजीपति है घर बना 50 लाख रखा हुआ है, आपका लेटरिन बाथरूम नहीं ना वेट करेगा भाई, लेटरिन बनवा दे 50 लाख घर तोड़ के, यानी वहाँ पे जोत पड़ेगा जहाँ पे कुछ है नहीं है, जैसे गाँव देहात में पंचायत में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो लोग खेत में शौच करने जाता है, वहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है कि देखिए जैसे कि मेरी माँ बहन है बेटी है, ये लोग खेत में शौच करने जाता है। अच्छा, जहाँ शहर में भी डिमांड रहा तो वहाँ आपने काम कराया है? बिल्कुल कराया है, और सबको पता है अपने पास से पैसा लगाया है, अपने सर्किल से कैसे करके पैसा लगाया हुआ है, अभी तो शादी वादी होता है किसी गरीब लड़की की शादी होता है जी, हम लोग अपने पास से पैसा इकट्ठा करके उसमें मदद करते हैं जी, ठीक है, यहाँ तक कि कोई डेथ कर जाता है, चाहे कोई एक्सीडेंट कर जाता है, उसमें हम लोग सहयोग करते हैं, और ऐसा नहीं कि आपको बुला के सोशल मीडिया माध्यम से कि हम ये काम कर रहे हैं, गुपचुप आप इधर पूछ सकते हैं मेरे वार्ड में, कोई मेरे वार्ड में खिलाफ नहीं बोलेगा। तो कहने का ये मतलब है, नेता इसे फिर सवाल होगा, माने ये इनसे ये कहने का मतलब है कि ये चुनाव का समय है और लोग वार और जिसे कहने का मतलब है कि दो निशाना साधते हैं, तो ये आप निशाना साधा जा रहा है क्या? आप कह सकते हैं इसलिए देखिए, चुनाव तो आम बात है लेकिन हमको पॉलिटिकल चाहिए। अद्भुत आदमी है, अद्भुत, जो इन्होंने कहा अभी आपने सुना, वार्ड पार्षद तो बहुत सारे लोग होंगे, तो हमने ये सुना है कि वार्ड पार्षद लोग अपना घर बनवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी होता है, और पहले अपना निर्माण करते हैं, अपना विकास करते हैं, पहला वार्ड पार्षद है, कोई संदेह नहीं है, अपने पास से पैसा लगा के जो इन्होंने कहा, और मैं जानता भी हूँ, मैं देखा भी हूँ, और चंदा लगा के जो रोड नवनिर्मित नहीं है, जिसका विकास नहीं हुआ उसका विकास कर देना, नाली की सफाई करवाना, और आप शुक्ला टोली का जो रोड है उसको आप देख भी सकते हैं और निरंतर करवा रहे हैं, जुझारू हैं, नई पीढ़ी है जो अपने फंड को जा करके लड़ के झगड़ के लाना और अपने वार्ड में विकास करना, ये अद्भुत काम है, यही होना भी चाहिए, और यही होना भी चाहिए, जो करते हैं ये सामर्थ्यवान भी है इन सब चीजों में, तो सिर्फ इनको देख के बोल रहे कि मैंने वाकई करते हैं,
हम तो इनको देख ही नहीं रहे हैं, हम इनको देख के तो नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि जो हमने देखा है। अब काम देखे हैं, बिल्कुल काम देखे, हमारा पड़ोस का भाई देखिए, पड़ोस के मोहल्ले के हैं ये, जावेद को नहीं है, ये काम देख के बोल रहे हैं। जब काम देख करके बोलने लगे लोग तो समझिए।